नमस्कार, बेस मेटल वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। बेस मेटल की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछला हफ्ता काफी वाइल्ड रहा, जहां पे हमने पूरी बेस मेटल के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट के बाद एक रिकवरी भी बनते हुए देखी है। रिकवरी के दो मुख्य कारण थे। पहला है डॉलर इंडेक्स, जो 22 साल के हाई पे जाने के बाद वहां से एक अच्छा खासा करेक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा है चाइना। चाइना में हमने देखा लॉकडाउन से अब चाइना निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि 1 जून से चाइना पूरी तरह से जीरो कोविड पे आ जाएगा, जिसकी वजह से बेस मेटल के कंजम्पशन बढ़ेंगे। सप्लाई साइड इशू पहले से बने हैं, जिसके चलते प्राइजेस में हमने अब एक तेजी आते हुए देखी। पिछले एक हफ्ते के अंदर कॉपर में 2 से 2.5% की तेजी देखी है, प्राइजेस 760 के करीब ट्रेड कर रहा है। जिंक के अंदर 1.25% से 1.5% की तेजी देखी है, प्राइजेस 310 के करीब ट्रेड कर रहा है। निकल में अभी भी दबाव है और माना जा रहा है कि 2022-23 के अंदर सप्लाई धीरे धीरे इंप्रूव होगी। खास करके इंडोनेशिया पर नजर रखी है, जहां से अपडेट ये बताया जा रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ते हुए दिखाई देंगे, जिस ढंग से ऊंचे भाव के चलते काफी रिफाइनर्स और काफी माइन जो बंद पड़ी थी वो अब वर्किंग में आ जाएगी। लेड की बात करें तो यहाँ पे हमने 1% की गेंस देखी, बट एल्यूमिनियम सप्लाई कंसर्न्स और एनर्जी क्राइसिस के चलते पहले भी तेजी में था और अब हम देखें तो 3% की शानदार तेजी से पूरा बेस मेटल पे लीड कर रहा है, जो हम 240 के करीब आते हुए देखे हैं। और अगर फंडामेंटल्स की अगर हम बात करते हैं तो बेस मेटल के लिए चाइना काफी इंपॉर्टेंट पैक है, क्योंकि चाइना में हमने देखा कोविड रेस्ट्रिक्शन कम होने की वजह से कहीं ना कहीं डिमांड में इंप्रूवमेंट की बातें हो रही है। इनफैक्ट चाइना के जो वर्स्ट से वर्स्ट डेटा आने थे, चाहे होम सेल्स की बात करें, चाहे हम आउटपुट की बात करें, चाहे हम फैक्ट्री ऑर्डर्स की बात करें, यहाँ पे कमी होने की वजह से प्राइजेस में दबाव जरूर बना था, बट अब कहीं ना कहीं अगर संघाई के जिंक के स्टॉक में हमने देखा 3 से 3.25% की गिरावट आती हुई देखी। एलएमई पे भी हमने देखा जिंक के जो स्टॉक है, जिंक की जो इन्वेंट्री है, वहाँ पे कंटिन्यू दबाव है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि अब कहीं ना कहीं सप्लाई कंसर्न्स बनने लगे हैं। चाइना मार्केट ओपन होने से डिमांड इंप्रूवमेंट होगा, डॉलर इंडेक्स की गिरावट कहीं ना कहीं बेस मेटल को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। तो इन ऑल अगर हम बात करें पूरे बेस मेटल पैक के अंदर, अगले हफ्ते के लिए बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलनी चाहिए। लेवल्स वाइज की बात करें तो कॉपर में अच्छी खासी गेंस के बाद 755 तक के पुल बैक पे लेके चलिए, 745 का स्टॉप लॉस रखिए। 764 का लेवल तोड़ने पे 785 तक के भी लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। वहीं जिंक 306.7 के करीब लेके चलिए, 312 का लेवल तोड़ने पे 318 तक का लेवल दिखा देगा। निकल में दूरियां अभी भी बना के चलिए। लेड में प्राइजेस 180-190 के बीच में ही ट्रेड करेगा, 180-81 इज गुड टू बाय 185 के टारगेट के लिए। लास्ट में अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो थोड़ा पुल बैक 236 तक का लेवल मिलता है तो वहां पे बाय करके चलिए। 344 से 345 तक के लेवल हम एल्यूमिनियम में देखेंगे, बट ओवरऑल बेस मेटल अगला हफ्ता तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखेगा। धन्यवाद।